ब्राह्मणः ओम जन्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं परस्तात् आयु सुमद्रं प्रतिमं च सुभरं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज गणेशां का ब्राह्मणः ब्रह्मसूत्रान् समर्पयामि ब्रह्मसूत्रान्ते आगमनीयं जलं समर्पयामि ओम उपासना दायता नरः पवमान भिन्दले अभिदेवानि यच्छति उपवस्त्रान् समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम त्वां गन्धर्वा अपनस्त्वामिन्दसा बृहपतिः कामोपदेशो स्वाद्यो मनसा धिराये शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिपालस्य आश्विनाः सेता सेता चोरुर्देवराय पशुपतये कर्णायाम अपरिष्कारान् भवो रूपाजानतीन्द्र ते हरिः ओपदीः प्रतिमोदधम् पुष्पपतेः प्रशोभरेः अस्माय अश्वाहि वसन भरेर्भेरुधः पार इषावः भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः गणेशाम का ध्यानः पुष्पालं समर्पयामि ओखदेः प्रतिमोदधाम् पुष्पपतेः धन्यायता अहीम भोगै वर्णेति माहव्यायाहेति परिमाघमानः हतयो विश्वामयुना क्योंकि ये हमारा भोजपुरी एक परिवार है तो सारे लोग को आप जानते हैं। मैं देव भैया के बारे में बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं किंगडम में और आज हम लोकेश भैया के बहुत अच्छे चाहने वालों में से हैं। आज हम लोगों के बीच में इतनी दूर से चलते आए हैं और भोजपुरी समाज अगर देव भैया के सम्मान में मैं तो चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां इससे करीबी मुल्कों में सुनाई दे। हमारे बीच चिंतन सर है, मैं उनसे विनती करूंगा कि चिंतन जी चिंतन सर भैया दूर हो गए। क्लैप क्लैप
ठीक सर, रेडी सर। अरे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में कौन है भाई, आइए नहीं तो। अरे दो तीन मोबाइल मारो ना यार, आ जाओ भाई, आ जाओ मदद करो। हेलो उधर मोबाइल लाइट चला। हेलो हां सर, सुजीत भैया ये हाथ में रहने दो की निकाल दो, क्योंकि कंटिन्यू हो जाएगा, फंस जाएगा। संजय सर के पास चलेगा अपने सर। अच्छा एक मेरा थोड़ा सा ये सबसे ज्यादा दुख है, ये पत्रकारी होते थोड़े एक साइड हो गए मित्रों, हमारे भाई सबसे पहले सुजीत भैया से विनती करूंगा कि ये जो हमारे अतिथि है, अगर माफी चाहता हूं, हम लोगों के बीच बहुत दूर से चल के किंगडम से सिर्फ इस मुहूर्त के लिए देव सिंह भैया आए हैं, मैं माफी चाहते हुए आमंत्रित करूंगा कि देव भैया मंच पर आए। और भैया नारियल कहाँ तोड़ना है? सर 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 थोड़ा कैमरा पोज दीजिए नारियल। गणपति बप्पा मूर्ति साईनाथ महाराज की जय। बोलो हरे हरे महादेव। बोलो भाई जो बात कहे आप लोगों को, भैया से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं। और सच बात है कि उन्होंने बिरहा को, आज तक मैंने ऐसा बिरहा गाते हुए किसी को देखा नहीं है जितना शानदार बिरहा भैया गाते हैं। और बिरहा में जो बातें करते हैं, मतलब चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, या हमारे सेना की बात हो, वो जो हमारे गांव घर के किसान हैं उन तक जो एक एक बारीकियां बिरहा के द्वारा ये पहुंचाते हैं, मैं तो हमेशा दंग रह जाता हूं जब ये बिरहा गाते हैं। जैसे किसी फौजी का बिरहा इन्होंने गा दिया और हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे दौड़ते हैं तैयारी करते हैं, उनको रोक के अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या मतलब इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जाना है? बोला नहीं फौज में जाएंगे। बोले कहाँ हैं? अरे विजय भैया का बिरहा सुन लें तब से बहुरायल हैं कि जाएंगे फौज में। तो हमारे फौज का भी जितना इन्होंने प्रचार किया, जितना इन्होंने किया है, वो इतना काबिल तारीफ़ है कि मैंने भी भैया से कहा कि आप इसको जो है मरने मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं और ये बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। भैया मैं बिरहा इतिहास में काम कर रहा हूँ तो पता चला जो है बातों से कि जब विजय लाल यादव जी बिरहा जगत में आए थे, उन्होंने बिरहा जगत को एक नयापन दिया। हाँ मैं ये मेरे आँख के सामने की बात है, मैं बहुत छोटा था
और अलग अलग स्टाइल में गाने वाले गायक थे, कोई बहुत अच्छा बीर रस गाता था, कोई बहुत अच्छा कांड गाते थे, किसी का सबकी अलग अलग थी। लेकिन जब भैया आए तो भैया ने सबको समेट दिया एक साथ, मतलब आप कह सकते हैं कि बिरहा के गोविंदा हैं, जैसे हर चीज, मतलब रोम रोम से बिरहा गाते हैं। कभी भैया का बिरहा सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वीर रस भी उतना ही शानदार गाते, सुन सुन के ही आप बड़े हुए हैं, देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं। हमने पहली बार इनका बिरहा सुना था हमारे मामा के जो है इलाहाबाद जिला में, हदेली चुन्नू जी का, और इनका वाह वाह, तब मैं 5 या 6 में पढ़ता था। हाँ, तो तब से तो हम लोग भी बड़े हुए, भैया को सुन सुन के बड़े हुए, और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं इनको सुन सुन के सीखे हैं, और कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी बिरहा का जो जो हम रख सकें। जैसे फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें भैया के भी जो गुरु थे रामदेव गुरु गाते थे, और बॉर्डर में जो रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी, जो संतोष पहलवान जी के पिताजी काशी गुरु जी, ये लोग जो गाना गाते थे, हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला, आप बॉर्डर में देखिए। हम तो साथ में नहीं, हम तो हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही बात बताए हैं कि फिल्में करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन भोजपुरी के लिए, हमें भोजपुरी के लिए कुछ करना होगा। और एक ही कलाकार है, या हम भाई होने के नाते कार्य नहीं कह रहे हैं, आप उठा करके पूरी अब तक का इतिहास देख लें, फिल्म जब से फिल्म में हमारा दिनेश लाल जी काम कर रहे हैं, तब से देख लें, मैं जो सिखा के भेजा था कि भोजपुरी के लिए जीना है और भोजपुरी के लिए काम करना है, और बाकी और कोई चिंता नहीं करना है, जो चिंता है वो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी, जब भोजपुरी हमारी तगड़ी होगी तो हम और पूरा भोजपुरी समाज तगड़ा हो जाएगा। अब वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आशीर्वाद देना है, और आप लोगों से ये कहना है कि देखते रहिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि भोजपुरी हमारी वो भाषा है कि इस पर हम कभी कभी गाते हैं तो कहते हैं कि गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, और नूनो गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, निनो खारा होला बाकी फिटकरी ना होई। वैसे तो हर भाषा का सामान हमनी के करी ना जा, लेकिन कोनो भाषा भोजपुरी ना हो। वाह वाह भैया, आप बिरहा सम्राट हैं, कई दशकों से गाना गाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में आप एज ए हीरो भी कई भोजपुरी फिल्में किए हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि बिरहा जगत को पतन ना हो इसलिए बिरहा को ज़्यादा समय दिए, तो कम दे पाए। वो एक दौर था, हम कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा भाई सुपरस्टार था उस समय, किसी कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, उसने कहा कि बहुत स्टाइल झारत हुआ तू कलेबा का, हम कहें कि हम हीरो पैदा हैं। एक कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, वो कह दिया कि बहुत स्टाइल झारत हुआ, ताना मार दिया कि तू कलेबा का, हम कह रहे हीरो यहाँ आके लोग बनते हैं, हम हीरो हम लोग ऊपर से पैदा हैं, हम जाते हैं देखते हैं कि कैसे नहीं कर लेते हैं, किया 8-10 फिल्में किया, लेकिन बिरहा समाज हमारा एक भोजपुरी का रीढ़ है, जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको लेकर के बिरहा समाज चलता है और गाना चलता है। तो इसको बचाने के लिए दोबारा हमें बिरहा समाज में कूदना पड़ा, कि एक भाई तो खुद ही सुपरस्टार है, मैं भी उसमें अगर लाइन में खड़ा हूँ तो ये बुरा है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी आँखों से और हमारे पूर्वजों की थाती है, जो दूर हो रही है, उसको बचाने के लिए फिर बिरहा समाज में मुझे आना पड़ा। हाँ जब चाहा जब जैसन तब तैसन, ना बुझे तो मरत कैसे। हाँ जिया वाह भैया, आज एक बड़ी फिल्म का मुहूर्त बनारस की धरती हुआ है, क्या कहना चाहें राजा डोली लेके आ जा। राजा डोली लेके ये मुहूर्त हुआ, काशी की पवित्र नगरी में हमारी शिक्षा का मुहूर्त हुआ,
और भगवान ने चाहा, जिस तरह का सब्जेक्ट है, किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं लोग, उन्होंने चाहे थे कामयाब एक कम्प्लीट फिल्म है। और आपको एक बात बताऊं कि ये जो अभी दिनेश जी ने एक बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, आज जब बी फोर यू के लिए 25 लाख की फिल्में बन रही हैं, जिसमें नंगी नहाए क्या निचोड़े क्या, तो उतने में आज इतना बड़ा एक आदमी हिम्मत करके इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है, और हमारे जो बड़े प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी वगैरह की लेवल की फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे लोग नहीं आएंगे तो भोजपुरी सिनेमा मर जाएगा, क्योंकि सिनेमा को हरदम सिनेमा अपग्रेड होना चाहिए, थिएटर में ही देखने में मजा आता है, थिएटर में देखें और अपग्रेड हो, एक ढंग की कहानी हो, ढंग की मेकिंग हो, ढंग का डायरेक्शन हो, एक्टरों का भी चॉइस ढंग का हो, जैसे लोग अच्छा कर रहे हैं। भगवान की दया है कि हम उम्मीद करेंगे कि बहुत खूबसूरत फिल्म है और लोकेश बहुत बढ़िया है। रही बात सुजीत सिंह की, सुजीत ने बहुत सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, बहुत फिल्में उन्होंने प्रूव की हैं, आप लोगों ने उनकी कई फिल्में देखी हैं, और मैं पब्लिक से अपनी जनता से कहना चाहूँगा दोस्तों, फिल्म थिएटर में देखिए, फिल्म फैमिली के साथ देखिए, थिएटर में जाइए और सिनेमा को अप्रिशिएट करिए। सिनेमा में अगर आप जाएंगे तो हम लोग कुछ अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर पाएंगे, और आपसे मेरी गुहार है कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाइए। ओके भैया जी, भैया सिनेमा का एक जो दौर था आपने शुरू से अब तक देखा है, जिया है, तराशा है, पौधे को बड़ा किया है, कई स्टार्स को आपने प्लेटफॉर्म दिया है, आज सुपरस्टार हुए आके बड़े भोजपुरी नाम के, क्या कहना चाहेंगे आज जो भोजपुरी सिनेमा की दशा और दिशा है? सिनेमा भोजपुरी में देखा जाए मैंने ही शुरू करवाया, पहली फिल्म सही है हमारे मोहन जी प्रसाद से बन पाई, कभी किशन कुरार कभी जाकर सारे 10 बजे हीरो बना थे, पिक्चर बनी बॉम्बे से खाली थे, दो एक्टर गए थे, बाकी सारे एक्टर बंगाल के, कभी किशन और मैं दो दिन गए, फिर फिल्म कलकत्ता में बनी, पिक्चर का म्यूजिक सुपर डुपर है, सिनेमा हो गया है, वहाँ से भोजपुरी को बनना शुरू हुआ। मोहन जी प्रसाद ने लाइन से फिल्में बनाई, आठ कभी हीरो में भी हीरो में बदलती रहती थी, हमारी एक पिक्चर आई थी आपको याद, पंडित जी बताएं बिहार का भूल, नगमा उसमें हीरोइन थी, मैं विलन था, वो भी हीरो था, तो वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी कामयाब हुई थी 2005 में कि 2005 भोजपुरी के लिए बिल्कुल अंगद का पैर हो गया, दिनेश पवन मनोज तिवारी की कई सारी फिल्में हिट हुई, और रवि किशन की पंडित जी बताएं बिहार का भूल बहुत बड़ी हिट हुई, 2005 एक कामयाब फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, और उसके बाद कंटिन्यू बन रही फिल्में, 2007 में गणेश जी आ गए, इनकी पिक्चर आ गई सुपर डुपर हिट हो गई, और वो पिक्चर मेरे ख्याल से एक अलग मोड़ दे दिया सिनेमा इंडस्ट्री को, दिनेश जी ने अपने तरीके से, फिर पवन आ गए, फिर खेसारी आ गए, लोग आते जा रहे हैं और अच्छी फिल्में बन रही हैं, अभी चिंटू आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लोग आते जा रहे हैं, लेकिन दुख सिर्फ इतना सा है कि ये छोटी फिल्में बन रही है, जिससे भोजपुरी का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं छोटी फिल्मों में भी काम करता हूँ, नहीं कि मैं बता, लेकिन छोटी फिल्में जो बन रही हैं उससे भोजपुरी का नुकसान है, फायदा नहीं है भोजपुरी का। ओके थैंक यू सर। भैया एक नई फिल्म का शुरुआत आ चुका है, बड़ा यूनिक नाम है, ये भोजपुरी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ टाइटल है, और आज रक्षाबंधन का पर्व है, बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं हम लोग, ये रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हुई है, ये तो अपने आप में ही यूनिक है, और राजा डोली लेके आ जा, ये जो टाइटल था ये बहुत दिन से मेरा मन था इसको बनाने का, और मैंने ये टाइटल खुद ही रजिस्टर्ड कराया हुआ था, लेकिन लोकेश भैया जब हमको मिले और उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए हम बनाएंगे, और सुजीत भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा हाँ तो फिर आप ले ही लीजिए, बहुत अच्छी कहानी थी इनकी, तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और अब जो है हम लोग आ गए हैं महादेव की धरती पे काशी में, और इसकी शुरुआत आज से हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना करके और अपने दर्शकों के बीच लेके जाएंगे।
ये बहुत ही शानदार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टाइटल ही पारिवारिक है, तो वैसे ही इसमें दो फौजी रिटायर्ड हैं दादाजी लोग, जो हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी और एक संतोष पहलवान जी, और फौज से ही इनकी दोस्ती रहती है। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है कि जो फौजी लोग होते हैं वो फौज से घर पे आने के बाद भी रिश्ता निभाते हैं, ये मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। तो वैसे ही ये दोनों लोग रिश्ता अपना निभाते हैं, और एक फौजी के बेटी की शादी होने वाली है और उसमें दूसरा फौजी अपने बेटे को लेके पहुंचा है, और वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि जब ये हीरो और उसके दादाजी किस तरह से उसको पूरी तरह संभालते हैं, और फिर एक नया ताना बाना जुड़ता है, फिर आगे जो होगा वो आप सिनेमा में देखेंगे। सिनेमा के पहले पर्दे से लेकर आम पब्लिक के बीच में एक हिट जोड़ी जो आपके और पांडे जी ने एक बार फिर से दर्शकों का एंटरटेन करने वाले आए हैं। जी बिल्कुल, और चार पांच फिल्में अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में जो फिल्में और लोगों के साथ में तय थी वो हम लोगों ने किया, जैसे मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, उनकी भी कई फिल्में थी खेसारी जी के साथ में, चिंटू जी के साथ में, वो उन्होंने कंप्लीट किया, और फिर सुजीत भैया ने इस फिल्म में हम लोगों को साथ लेके बनाना चाहा, तो फिर हम लोग साथ में आ रहे हैं। एक और एक्ट्रेस है आपके साथ है, सुप्री राव जी, करिश के लिए आस्की में आई थी जी, क्या कहना चाहेंगे और इस वाले आपकी फिल्म साथ में जी? और श्रुति राव जी जो हैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा अभिनय है इनका, और इस फिल्म में जो रोल है वो आपने अगर राजा बाबू देखा है तो जिस तरह से उसमें दो हीरोइन रहती हैं और बीच में हीरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये, तो बहुत ही शानदार इनको मिला है किरदार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपने किरदार को निभाएंगी तो इस फिल्म से श्रुति जी भी और आम्रपाली जी भी और मैं भी दर्शकों का दिल एक बार फिर से जीतेंगे। बात कीजिए फिल्म डायरेक्टर सुजीत कुमार जी की, पवन सिंह जी को लेकर कई फिल्में दी हैं, अब आपके साथ जोड़ी जोड़ी दूसरी फिल्म, इसके पहले भी आदमी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सुजीत भैया, इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, इसके पहले मैं अभी आर्मी इनके साथ ही कर रहा था शाहजहानपुर में, और अब यहाँ पे ये फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, तो मुझे लगता है कि बड़े ही विनम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और अपना काम जानते हैं, और डायरेक्शन में भले ये पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है, मुझे लगता है लागल रहा राजा जी जब बनी थी तब से ले करके खून पसीना, चाहे वो बहुत सारी फिल्में में मेरे साथ रहे ये मुख्य सहायक के रूप में, तो अभी ये शानदार फिल्में आपने बताया ही, पवन जी के साथ में इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ भी एक हिट फिल्म देंगे। लोकेश जी की बात कीजिए, उनको हम सब पहली फिल्म है और बड़ी फिल्म क्रिक फाइटर का पूरा मेकिंग इनके हाथ में था, लोकेश जी का बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लोकेश भैया जैसे निर्माता भोजपुरी सिनेमा में हैं, जो जब थिएटर्स बंद हो गए उसके बाद जो निर्माता लोग हैं उनका हाल ये है कि वो सिनेमा को छोटा करने लगे, पर लोकेश भैया जैसे लोग हैं जो उसको और बड़ा कर रहे हैं, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है। पितामह भी हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे गुरु भी हैं, इसलिए कि जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था और कुछ अभिनय करना था और मैं इनके सामने ही कर रहा था, तो मैं गायकी से आया था, मुझे नहीं जानकारी थी उसकी बारीकियां, मैं नहीं जानता था, तो सर ने कहा कि एक मिनट कट करो, कैमरा कट किया और मुझे इन्होंने बताया कि बेटा ये जो चीज़ है ऐसे करो, तो मैंने बोला ठीक है चाचा, फिर मैं वैसे किया और अच्छा हुआ, तो यही लोग सिखाए हैं एक एक चीज़। हम तो गायकी करते थे, गायकी से मौका मिला हीरो बनने का, हीरो बनने आ गए, पर कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सिखाए हैं जो भी आज हम लोग करते हैं वो। सीखने की बात हो जाए, जहाँ गुरु की बात होती है, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी, हाँ, आपके भाई भी हैं और साथ में आज हैं। बिल्कुल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में
भैया हैं, क्योंकि बचपन से ही मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों हैं, आप बड़े स्टार हैं फिर भी एकदम ज़मीन पे कैसे हैं। तो मैंने कहा स्टारडम मैं देख के आया हूं अपने घर में। मेरे भैया इतने बड़े स्टार हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था इनके साथ, तब तो मोबाइल नहीं था, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, इनको छूने के लिए, ऐसे पब्लिक पागल भागती थी इनके पीछे पीछे। मैं देखता था तो मैं सोचता था मैं अपने भैया की तरह बनूंगा। तो मेरे आदर्श भी हैं, मेरे भैया भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो इनका ही आशीर्वाद है कि आज यहाँ तक पहुँचा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, हमेशा दिया। हम लोग आए तो हम लोगों ने भी प्रयत्न किया कि इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रुक जाए तो वो मर जाती है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको और बदला जाए और बदला जाए, और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक प्रयास करते रहेंगे कि भोजपुरी सिनेमा को और बेहतर बनाया जाए। बस दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद प्यार से ही फिल्में सफल होती है। आपका जब तक साथ है, आशीर्वाद है, हम आपके लिए ऐसे ही लगातार अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।